नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार और नए कदम उठा सकती है। आज मुख्यमंत्रियों की सब कमेटी के साथ नीति आयोग की बैठक में कई सुझावों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बेसिक फोन से यूएसएसडी के जरिए बड़ी आसानी से ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। यूएसएसडी और यूपीआई को और आसान बनाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले इसके लिए स्मार्टफोन पर सब्सिडी देने की भी योजना बनी है। Even sometimes some incentives we have to give those who are doing sovereign wallet like that. If you give some money, youngsters may attract. Some people has given some more suggestions for smartphone. Why can't you give some subsidy so that people will buy more and more and then they can do it. This type of suggestions has come in a big way. Ultimately, what all we are thinking now, banks are involved in this exercise, RBI is involved in this exercise, even Government of India and state government. This report, if you give Government of India, then they will circulate to everybody for action program. ईडी ने गैरकानूनी तरीके से नोट बदलने के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस मामले से जुड़ी है जिसमें 9 फर्जी बैंक खातों में करीब 34 करोड़ रुपए जमा करने की बात सामने आई थी। जांच में ये बात सामने आई थी कि कोटक महिंद्रा बैंक के नई दिल्ली के केजी मार्ग ब्रांच में गैरकानूनी तरीके से पुराने नोटों को नए नोटों में बदला गया था। बैंक मैनेजर आशीष कुमार पर पारस मल्लोडा और रोहित टंडन की मदद करने का भी आरोप लगा। मामले में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी सफाई में कहा कि मैनेजर आशीष कुमार को पहले सस्पेंड कर दिया गया और जांच एजेंसीज को हर जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि बैंक इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। मुंबई वालों को जल्दी महंगे रेल किराए का झटका लग सकता है। रेलवे लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ा सकती है। रेल मंत्रालय ने इसके लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। दरअसल मुंबई लोकल से रेलवे को सालाना 6000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और रेलवे ने कहा या तो किराए बढ़ाए जाएं या फिर राज्य सरकार नुकसान की भरपाई करे। लोकल ट्रेनों में फर्स्ट क्लास से रेलवे को सालाना 4800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है जबकि सेकेंड क्लास से रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपए की चपत लगती है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सेकंड क्लास का किराया बढ़ने की उम्मीद कम है। और समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, क्या माना जाए किराया कब तक बढ़ेगा? देखिए, कब तक का तो सवाल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से सबर्बन में लगातार सब्सिडी के बोझ के चलते रेलवे की वित्तीय हालत काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, उसी को देखते हुए रेल मंत्रालय फिलहाल विचार कर रहा है कि जो सबर्बन में सब्सिडी का बोझ है जो 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इसको धीरे धीरे कम किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सब्सिडी का बोझ है या तो वो कम करते हुए किराए बढ़ाए जाए सबर्बन में, या फिर दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि जो सब्सिडी का बोझ है उसको राज्य सरकार खुद वहन करे। यानी कि जो सब्सिडी, मसलन मुंबई सबर्बन में अगर आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो सब्सिडी का बोझ है वो राज्य सरकार उठाए और वो पैसा रेलवे को वापस करे। तो ये इस फॉर्मूले को सामने रखा गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सबर्बन का किराया है वो हैवीली सब्सिडाइज्ड, यानी उसमें सब्सिडी का जो रेशियो है वो ज़्यादा है और ये सीधे सीधे रेलवे के जो बजट है उस पर उसका भार नज़र आता है। इसी को देखते हुए रेलवे कोशिश ये कर रही है कि सब्सिडी के इस बोझ को कम करना है। हालांकि ऐसी ही स्थिति जो स्लीपर क्लास है रेलवे में उसमें भी नज़र आती है, लेकिन स्लीपर क्लास में किराए में अगर फेरबदल करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला आता है जिसको फिलहाल आगामी चुनाव को देखते हुए शायद रेलवे ना उठाए। बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम बातचीत के लिए आपका। बजट में रेल किराए में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर रेल टिकट पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की गुहार लगाई। रेलवे ने टिकट पर मिलने वाले सब्सिडी का खर्च उठाने के लिए संबंधित मंत्रालयों को भी चिट्ठी लिखी है। सीनियर सिटीजन कोटा को लेकर रेलवे ने सामाजिक कल्याण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। वहीं रेलवे ने मेडिकल कोटा, हेल्थ मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स कोटा के टिकट पर मिलने वाली सब्सिडी का खर्च स्पोर्ट्स मंत्रालय को उठाने के लिए चिट्ठी लिखी है। रेलवे सालाना 33000 करोड़ रुपए की सब्सिडी यात्री किराए पर देती है जिसमें सिर्फ कोटा वाली टिकट्स पर सालाना 2000 करोड़ की सब्सिडी है।